हेलो फ्रेंड्स, मैं जगजीत सिंह फ्रॉम हाईटेक ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट एकेडमी पंजाब खन्ना। तो आज मेरे पास एक ईसीएम आया हुआ है, कमिंस ट्रक का ईसीएम है BS4। इसके अंदर जो कस्टमर की कंप्लेंट है वो ये है कि एक्सीलेटर पैडल सेंसर का कोड आ रहा है, फॉल्ट कोड एक्सीलेटर पैडल से संबंधित आ रहा है। और जब टेक्नीशियन ने दूसरा ईसीएम लगाकर गाड़ी को देखा तो व्हीकल नो फॉल्ट हो गया और आरपीएम प्रॉपर लेने लगा। जब ये ईसीएम में फॉल्ट आने के दौरान आरपीएम प्रॉपर नहीं ले रहा, ओके, और जब दूसरा टेक्नीशियन ने ईसीएम लगाकर देखा तो व्हीकल बिल्कुल ओके, क्लियर हो गया फॉल्ट कोड। तो अब ईसीएम में फॉल्ट है, उसके लिए हम लोग कैसे काम स्टार्ट करते हैं और कहाँ पे फॉल्ट है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो ये मेरे पास कमिंस का ईसीएम आया हुआ है जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओके। अब इसके अंदर जो फॉल्ट कोड आया उसको हम लोग बुक की हेल्प से, किताब की हेल्प से, जैसे यदि हमारे इलेक्ट्रिशियन या मैकेनिक भाई जो भी टेक्नीशियन है कोई स्कैनिंग करते हैं, वो ये बुक की हेल्प से कैसे फॉल्ट तक पहुंच सकते हैं, बेसिक ऑफ मैकेट्रॉनिक, इसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में लिखा हुआ है, कैसे कहां पर फॉल्ट होता है और कैसे हमें क्लियर होगा। इसके पेज नंबर 149, इसके अंदर जो लिखा हुआ है एक्सीलेटर, ऐसे पूरी आपको दिखाया जा रहा है पूरा, इसके अंदर फॉल्ट कोड, ये एक्सीलेटर पैडल सेंसर से रिलेटेड फॉल्ट कोड है। यहाँ जैसे हाई शब्द लिखा आया हुआ है, सिग्नल रेंज चेक हाई फॉर एक्सीलेटर पैडल पोजीशन सेंसर 2 या 1, इन दोनों में से कोई भी फॉल्ट कोड हमारे पास आया तो एक्सीलेटर के अंदर पूरा इसके बुक के अंदर हम लोगों ने लिखा हुआ है, आप इस बुक की हेल्प से फॉल्ट को बहुत जल्दी क्लियर कर सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक स्टेप, जब हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो इसमें लिखा क्या हुआ है, ध्यान रखें यदि सेंसर को, जैसे सर्किट हाई लिख कर आया शब्द एक्सीलेटर पैडल के अंदर, तो इसमें जो हम लोग आपको दिखाना चाहते हैं, ध्यान रखें यदि सेंसर को पॉजिटिव वोल्टेज ना आती है, आती हो तो भी सर्किट हाई का कोड आएगा, और यदि नेगेटिव वोल्टेज पैडल को ना आती हो तो भी सर्किट हाई का कोड आएगा। अब इन दोनों में से जो हमारे पास ईसीएम आया है, ये जो हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, जिन्होंने हमें ये ईसीएम में फॉल्ट है या नहीं इसको क्लियर करना है, ये काम हमारे टेक्नीशियन भाई का है जो ट्रक या कार के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये हेल्प करेगी बुक बहुत ज़्यादा। अब इसमें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इसके अंदर हमारे पास ये देखिए, अभी जब देखा गया तो इसके अंदर, इस ईसीएम के अंदर 22 नंबर पिन, 23 नंबर पिन, 43 और 87 ये पिनें हीट हो गई। एक टेक्नीशियन भाई, मैकेनिक या इलेक्ट्रीशियन अपने गाड़ी के ऊपर कैसे ईसीएम में फॉल्ट है, ईसीएम में फॉल्ट है या नहीं कैसे डिसीजन ले सकता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये पिन, देखिए ये पिन है 22 नंबर, इसके ऊपर 22 और 23, ठीक है, और इसके ऊपर 43, और इसके ऊपर आ गई हमारे पास ऐसे ही 87 नंबर पिन। यहाँ इसके नीचे जो ये बॉडी के अंदर जहां से ये निकल रही है पिनें, ये हमें ये जल जाता है नीचे से, ये हीट हुआ हमें नजर आएगा, ये मैकेनिक और हमारे टेक्नीशियन जो इलेक्ट्रीशियन भाई हैं वो पहले इसको देख सकते हैं। इसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग ईसीएम के अंदर, ईसीएम के अंदर हमारे पास जो सेकंड बुक है ईसीएम ईसीयू रिपेयर बुक, इसकी हेल्प से हम लोग ईसीएम के अंदर काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ दिखाया हुआ है कि
के वोल्टेज में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये 251 नंबर पेज है जहां से हम लोग ECM के अंदर यदि फॉल्ट है तो यहां इस बुक की हेल्प से हम लोग ये क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इस प्लेट को ओपन कर लिया हम लोगों ने, प्लेट को ओपन करने के बाद हमें इधर कोई भी फॉल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन इस ECM की पिनें जली हुई हैं। पिनें जो हैं वो हीट हैं, इधर से जब हम लोग आपको दिखा रहे हैं इसके अंदर, और ये 87 नंबर पिन और 43 नंबर पिन, जैसे इधर 43 और पिन नंबर 87, तो इसके अंदर ये पिनें हम लोगों ने इसको रिपेयर कर दिया, दो पिनें हमने सोल्डर कर दी इसके अंदर। तो अब इसके अंदर जो फॉल्ट है वो हमें और कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, ये 100% अब ECM हमारा, अभी हमने इसको रिपेयर किया तो ये इस तरीके से रिपेयर हो गया। कहने का मतलब ये है इसके अंदर से बॉडी ग्राउंड एक्सीलेटर पैडल को जा रहा है, वो जाना बंद हो गया क्योंकि पिन इसकी बर्न हो गई, जल गई, चार पिनें हीट हुई, दो पिनें जल गई। तो ये फॉल्ट आपको इस कनेक्टर में भी मिल सकता है, क्योंकि ये जो पिनें होती हैं ये ज़्यादा एम्पियर लेने से हीट हो जाती हैं। जब कोई सेंसर फॉल्टी होता है ये फ्यूज़ का काम करती हैं, एज लाइक फ्यूज़। ये कार, पेट्रोल, डीजल कार, ट्रक, अर्थ मूविंग मशीन में देखा गया है ये अक्सर पिनें जल जाती हैं। तो ये ECM के अंदर एक्सीलेटर पैडल सेंसर का फॉल्ट कोड था। इस तरह के फॉल्ट कोड को हम लोग ECM के अंदर क्लियर कर सकते हैं पिनों को चेक करने के बाद। और हमारी जो दोनों बुक्स हैं इसकी हेल्प से आप लोग खुद इतना कर सकते हो कि ECM में फॉल्ट है या नहीं। ये एक हमारे जो टेक्नीशियन भाई हैं, मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन, उनको गैस क्लियर हो जाता है इन बुक्स की हेल्प से कि हमारे ECM के अंदर फॉल्ट है या नहीं, ताकि जो ECM रिपेयर करने वाले हैं उनको प्रॉपर रिपोर्ट दी जा सके ECM में 100% फॉल्ट है या नहीं। तो ये था एक्सीलेटर पैडल से रिलेटेड फॉल्ट कोड। ओके, थैंक यू।